नमस्कार, जय माता दी। नवरात्र की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चलिए आपको बताते हैं माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में। माँ युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजमान है। माँ चंद्रघंटा के हाथों में त्रिशूल, धनुष, गदा और तलवार है। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसी वजह से ये चंद्र घंटा कहलाती है। माँ राक्षसों का वध करने वाली है। इनकी आराधना से इंसानों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ चंद्र घंटा के अवतरण की कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। पौराणिक मान्यता है कि धरती पर जब राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा तो दैत्यों का नाश करने के लिए माँ चंद्र घंटा ने अवतार लिया था। उस समय महिषासुर नाम के दैत्य का देवताओं के साथ युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन हथिया कर स्वर्गलोक पर राज करना चाहता था। इसके बाद देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया। इन देवतागणों के क्रोध प्रकट करने पर मुख से एक दैवीय ऊर्जा निकली जिसने एक देवी का अवतार लिया। ये देवी माँ चंद्र घंटा थी। इन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज दिया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का वध किया था। माँ चंद्र घंटा का प्रिय रंग सुनहरा या पीला माना जाता है। इसके चलते पूजा में इस रंग के वस्त्र पहनना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा माता को सफेद और पीले गुलाब के फूलों की माला भी अर्पित की जा सकती है। माँ चंद्र घंटा को तिलक लगाकर भोग चढ़ाया जाता है। भोग में केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। पंचामृत या फिर चीनी मिश्री का भोग माता को लगाया जा सकता है। ऐसा करने पर माँ प्रसन्न होती है। माना जाता है कि माता रानी का चंद्र घंटा स्वरूप भक्तों को निर्भय और सौम्य बनाता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से न सिर्फ घर पर सुख समृद्धि आती है बल्कि रोगों से भी मुक्ति मिलती है। मन, वचन, कर्म और विधि विधान से माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी दर्शकों पर माँ चंद्र घंटा की असीम कृपा बनी रहे, सदैव आपके घर में सुख समृद्धि आए। नवतेज टीवी परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।